आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स के बारे में। फिज़िक्स में पढ़ा है हमने कि मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बहस करते हैं। इसकी दो जो है वो इसकी ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स है और एक डायनामिक्स है। डायनामिक्स क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड डायनामा से निकला है। मीनिंग क्या होता है इसका? पावर। सपोज कर लें कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं या पावर लगाते हैं तो कुछ देर जो है वो मूव करके खुद ब खुद ही जो है वो रुक जाती है। तो ये इसकी मोशन जो है इसका इलम हम काइनेमेटिक्स में कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड काइनामा से निकला, इसकी मीनिंग क्या है? मोशन है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ देर के बाद चलकर खुद ब खुद ही रुक जाएगा। ये किस वजह से रुकेगा? इसके नीचे ग्रेविटी की फोर्स अमल कर रही है और इसके ऊपर नीचे साइडों पर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एयर जो है वो अमल कर रही है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है खुद ब खुद जाकर रुक जाएगा। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स के बारे में, इसमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स है। काइनेमेटिक्स में मीनिंग मोशन और डायनामिक्स मीनिंग पावर।